हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अपना एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है भाई। तो आज से ना हम लोग एम रखते हैं लाइक का। तो आज का एम रखते हैं 50 लाइक। तो मुझे इस वीडियो में आप लोग से 50 लाख चाहिए यार। कर दो यार, 50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो का कलर कंपेरिजन। तो मुझे भी कलर कंपेरिजन करना उतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खुद जब कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं सोचा कि और लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कलर कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मैंने Redmi Note 5 Pro गोल्ड वाला नहीं लिया और ब्लैक वाला लिया, क्योंकि जो गोल्ड वाला है दोस्तों, वो उतना कुछ खास दिखता नहीं है, उतना कूल या फिर उतना सेक्सी दिखता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गोल्ड में मुझे क्या कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो गोल्ड में सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सामने के साइड में वो वाइट फ्रेम। तो दोस्तों, वाइट फ्रेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा जो Redmi Note 4 था, उसमें भी वाइट फ्रेम था और मुझे वाइट फ्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों, ये पीछे का डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जो एंटीना लाइन दिया गया है भाई Redmi Note 5 Pro गोल्ड में, वो बेकार ही लगता है एकदम। कैसा आप देखो यहाँ पे वीडियो में, एंटीना लाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक वाला में क्या होता है कि वो उतना समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे भी मुझे जो ब्लैक वाला पसंद आया। और यहाँ पे आपको एक केस मिल जाता है, केस लगा देंगे तो आपको ब्लैक वाला का कुछ भी एंटीना लाइन वगैरह दिखेगा नहीं, वो अलग बात है। और मुझे लगता है कलर प्रेफरेंस एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जो पसंद है ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाला बेस्ट होगा, तो मैं बोलूँगा ब्लैक इज़ बेस्ट। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद आया। और मुझे ये जान के खुशी होगी कि कितने लोगों को ब्लैक और कितने लोगों को गोल्ड पसंद आता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।